जब तक विभाग मिलेगा और प्रमुख सचिव को अपॉइंट कराएंगे तब तक चुनाव आ जाएगा। देखिए जितने भी ये सीबीआई ईडी इनकम टैक्स जानबूझ करके सरकार भेजती है जिससे लोग डर जाएं और घबरा जाएं और फंसाने का काम करती है। ये एक लंबी सूची है, हमारे पत्रकार साथी ने कुछ सवाल उठाया है, ये बहुत एक लंबी सूची है। अगर पिछले 7 साल का हम लोग गिने तो देश में सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई है। और जहां साथी हमारा ये कह रहा था होम मिनिस्ट्री के ऊपर कोई सवाल पूछा जा रहा था, ये होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी चेक करें कि उनके यहां क्या हो रहा है। अगर पुलिस ही भक्षक बन जाएगी, जिनसे हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, अगर वही अन्याय करेंगे तो आप न्याय के लिए कहां जाएंगे। तो ये जो घटनाएं बढ़ी हैं ये पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर के और थाने तक की घटनाएं, आप इस बारे में जानकारी कर सकते हैं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। जिस तरीके से जब से बीजेपी की सरकार आई है दिल्ली में 1 लाख पूरे उत्तर भारत में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। सोचो जिस देश में 10 साल में 1 लाख किसान आत्महत्या करता हो, जहां पर यह बताया गया हो कि आय दोगुनी हो जाएगी, यहां जितने लोग बैठे हैं सब किसान परिवार के हैं, किसान परिवार पूछ रहे हैं कि उनकी आय दोगुनी कब होगी, और किसान के बेटे ये पूछ रहे हैं उन्हें नौकरी रोजगार कब मिलेगी, जो एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं किसान, क्या सरकार एमएसपी लागू करेगी। समाजवादी ये भरोसा दिलाती है कि 80 हराओ एमएसपी लागू करवाओ और उसका कानूनी अधिकार पाओ। सर एमएलसी चुनाव होने वाले, क्या कैंडिडेट में भी पीडीए की झलक दिखेगी? पीडीए की झलक अगले 50 साल तक दिखेगी आपको। वो गंभीर मामला है जहां 2 बहनों ने आत्महत्या की और पिता ने भी जान दे दी, ये बहुत गंभीर विषय है। कम से कम बीजेपी को न्याय दिलाना चाहिए परिवार को, और कहीं ऐसी घटना दोबारा उत्तर प्रदेश में न हो उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे उनका कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जीरो हो चुका है। किसको? मैं तो चाहता हूं आप भी कोई सभासद का चुनाव लड़ लो। अब चुनाव सभासद का है ही नहीं तो क्या करें हम, बताओ। ये कोई बात नहीं, अरे किसी लीडर और पॉलिटिकल पार्टी तय करेगी, हम क्यों तय करेंगे। अब हम कहेंगे मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ना चाहिए, ये कोई बात हुई। अब मुख्यमंत्री जी अगर लड़ना चाहे तो बताओ,